हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक के बारे में, जिसमें कुछ स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी और कुछ स्टॉक में बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम जो लेवल आपके साथ शेयर करेंगे इन सारे स्टॉक के बारे में, उन लेवल्स को आप जब तक वो लेवल्स पार्टिकुलर एक एक स्टॉक में रीच नहीं होते हैं तब तक के लिए बिल्कुल नोट करके रख सकते हैं। चाहे वो किसी भी दिन हो, कल हो, या फिर नेक्स्ट वीक में, पूरे वीक में किसी भी दिन वो लेवल आए, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इन स्टॉक के लेवल को आपके साथ डिस्कस करने से पहले, ये जो लास्ट वीडियो है इसमें कुछ स्टॉक के लेवल डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि सबसे पहला हमने SBI कार्ड का बाई आपके साथ शेयर किया था, बाइंग लेवल आपको दिया था, जिसमें ये बॉक्स के ऊपर जैसे ही आया हमने आपको अपडेट किया था कि इसमें बाइंग बनती है और आपको इसमें मिनिमम 1000 तक के टारगेट के लिए आपको क्लियरली कहा था। और आज का हाई आप देख सकते हैं, इस पर लगातार दो दिनों से तेजी हो रही है और आज का हाई आप देख सकते हैं 1001.55 का, तो अराउंड हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है इसमें। इसी तरह के और भी लेवल्स बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी आगे कुछ स्टॉक में बनती हुई दिख रही है जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अभी पिछले स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें नेक्स्ट जो है वो ICICI बैंक का भी हमने ये लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ लेवल डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने 549-552 अराउंड का आपके साथ रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, अभी भी एज इट इज़ वैलिड है वो रेजिस्टेंस। और आज का जो ट्रेडिंग डे है, आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं कि प्योर हमारा जो लेवल है वो ट्रिगर हुआ, 554 तक का हाई लगा बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। फर्स्ट आवर में ही देखिए यहाँ पर जो किस तरह से जो गिरावट हुई, और उसके बाद लगातार प्राइस में गिरावट ही रही। ICICI बैंक डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करता रहा। तो लेवल्स बहुत पावरफुल होते हैं, आज आप अगर इसे नोट करके रखते हैं और लेवल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने टाटा मोटर के भी लेवल डिस्कस किए थे अपने लास्ट वीडियो में, और जहाँ पर 202 के करीब का आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था, और वहाँ से एग्जैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करके, जस्ट टच किया, उसके बाद किस तरह से इसमें रिवर्सल हुई वो आपके सामने है। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल्स का भी आपके साथ सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में ही, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल लाइन से किस तरह से एक बार अपर साइड की जो रैली हुई उसके बाद अगेन अभी सपोर्ट लेवल पे आके ही ऊपर में ही क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा हिंडाल्को में आपको बाइंग लेवल दिया था जो कि 255 के ऊपर, बिल्कुल इसमें आपको बाई करने की सलाह दी गई थी, और आप देख सकते हैं 255 के ऊपर जैसे ही ये गया किस तरह से इसमें बहुत बड़ी रैली हुई। तो लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप लेवल्स को अच्छे से सुनते हैं और नोट करके रखते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा लास्ट वीक हमने ल्यूपिन का भी आपसे सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था, इसमें क्लियरली आपको कहा था कि ये लेवल जब भी आता है, किसी भी दिन आएगा, ये ज़रूर वर्क करेगा, जो कि हमारा 993-990 के करीब का लेवल था, और आप देख सकते हैं कि लेवल आया और उस तरह यहाँ से किस तरह से जो अपर साइड की मूवमेंट हुई, जो कि अराउंड 40 रुपीज़ तक की इसमें रैली हुई वो आपके सामने है। तो सारे लेवल बहुत अच्छे थे, अगर जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको कौन से लेवल को ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला है अजंता फार्मा। जैसा कि यहाँ पर SBI कार्ड में देखिए जो स्टोरी बन रही थी, कुछ उसी तरह से अजंता फार्मा में भी स्टोरी बनती हुई दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के ऊपर आ चुका है। वैसे तो ये बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे है, बट हायर वैल्यूएशन पे भी जैसा कि मार्केट में जो रैली हो रही है, इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जो अच्छी खासी दिख रही है वो अजंता फार्मा में दिख रही है। तो इसमें आप डाउन साइड में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 1700 के करीब का सपोर्ट है, अगर ये किसी भी तरह से डाउन साइड में 1700 के करीब आने की कोशिश करता है तो यहाँ से आप इसे एवरेज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी है तो, या फिर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। वैसे इसमें अभी मोर देन 100 रुपीज़ तक की अप साइड मूवमेंट की संभावना लगती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ज़रूर अजंता फार्मा में आने वाले दिनों में बाइंग के सोच सकते हैं। इसके अलावा ITC में जो लेवल है ये प्योर इंट्राडे बेसिस में आप फॉलो कर सकते हैं, ये लेवल किसी भी दिन आए इंट्राडे के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट लेवल है वो 1997-199 का, इसमें अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल में ITC जिस
भी ट्रेडिंग सेशन में, या तो कल या तो नेक्स्ट वीक किसी भी ट्रेडिंग सेशन में आने की कोशिश करता है, तो इस लेवल से आप ज़रूर इसमें बाइंग करके फ़ायदा ले सकते हैं। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना करे, ज़रूर इसमें एक अपर साइड की संभावना बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट तो यूनाइटेड स्पिरिट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज का जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट हुआ है और क्लोजिंग भी दी है। तो अभी इसमें अब चूँकि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो कि 598 और 602.7 का रेजिस्टेंस था, तो वो अभी जस्ट सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस 602.7 और 598 के करीब आता है ये, तो इसमें आपको आने वाले दिनों में 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट में 640 तक के लेवल आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल को नोट करके रखें और ज़रूर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अराउंड आपको 25 रुपीज़ तक की यहाँ पर रैली और देखने की उम्मीद है। इसके अलावा रैलीस इंडिया में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे का जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने आपको बाइंग करने की सलाह दी थी ऑलरेडी हमने पहले की वीडियोस में। अगर आप वीडियो को रेगुलरली बिना भगाए देखते होंगे तो बीच बीच में हमने ये एक नहीं 4-5 वीडियो में अपडेट किया था। तो अभी जो रैलीस इंडिया में जो कहानी बन रही है वो अपर साइड में इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हुआ है, बट अभी इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करना है। कल का ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखिए कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 297 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब आपको उसके बाद नेक्स्ट वीक इसमें बाइंग करनी है, जो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो आपको नेक्स्ट वीक में 316 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल बहुत अच्छे हैं, नोट करके ज़रूर रखें और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसे वॉच करें। अगर कंडीशन फुलफिल होती है, 297 के ऊपर में क्लोजिंग होती है, तब इसमें आप ज़रूर बाई करने की सोच सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें सबसे पहला है UPL। UPL में जो एक सॉलिड रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 492.7 495.3, ये अच्छा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब भी आता है तो यहाँ से आपको ज़रूर एक डाउन साइड मूवमेंट दिखेगी, जहाँ पर आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा इसका जो लेवल है वो बहुत ही मेजर लेवल है, जो कि 757.2 763 का लेवल है, इसमें रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के नीचे जब तक है या फिर इसे जितनी बार भी टेस्ट करने की कोशिश करें, तो इस लेवल के मिडिल में आता है तो आप यहां से सेल करके इंटरडे में फ़ायदा ले सकते हैं। बट इस लेवल को ब्रेक करता है तो जैसा कि यहां पर SBI कार्ड में जो रैली हुई है या फिर अजंता फार्मा में भी आपको जो ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ऐसी वाली स्टोरी इसमें बनती हुई दिखेगी। बट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, क्लोज नहीं करता है, आप ज़रूर इसमें सेल में रह सकते हैं। लेवल का इंतज़ार करें, जब भी वो लेवल आता है आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह से सेम HR मोटर में भी जो है, जैसा कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसी को जस्ट टेस्ट करके ही इसमें जो है गिरावट आई है और शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 2697 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो इन लेवल्स को नोट करके रखें। आगे भी किसी भी ट्रेडिंग डे में अगर ये इस लेवल के करीब आता है तो इंट्राडे में सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं करता है, ज़रूर इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको जब भी ये टेस्ट करता है बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंडिगो का ये लेवल मैं आपसे पिछले अपने कई वीडियोस में लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये लेवल बहुत ही मेजर लेवल है, जो कि 177.8 का रेजिस्टेंस लेवल है। जहाँ से यहाँ पर उसे भी हमने आपको हिंट किया था और वहाँ से जो बड़ी गिरावट आई थी वो आपके सामने है, और अभी भी ये नीचे से रैली करके सेम उसी लेवल में पहुँच चुका है। तो अभी भी एज इट इज़ सेम 1778 और 1787 का इसमें रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, बहुत ही मेजर लेवल है। इस लेवल में जब भी आता है, जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं कि एक्यूरेट जो लाइन है उसी को टच करके 177.9 का हाई लगा के इसमें 1758 में क्लोजिंग हुई है। तो आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए भी ये लेवल एज इट इज़ वैलिड है। जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं होता है, ये ज़रूर अंडर प्रेशर में रहेगा और इंटरडे में आपको इस लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी रोज़ बनती हुई दिखेगी।
तो जब जब ये लेवल टेस्ट करता है सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। आई होप आपने सारे लेवल नोट करके रख लिए होंगे। सारे लेवल बहुत अच्छे हैं, चाहे वो शुरू में हमने बाइंग की बात की या फिर लास्ट में सेलिंग की बात की। किसी भी स्टॉक में जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सारे लेवल को नोट करके रखें और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स से ज़रूर फ़ायदा लेने की कोशिश करें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के और भी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर सकें।